वेलकम टू माई चैनल और वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कोई भी एयरलाइन की जॉब आती है तो मैं अपडेट करती हूँ अपने चैनल पे। सो आपके फायदे के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इंडिगो एयरलाइन की वैकेंसी आई हुई है ग्राउंड स्टाफ की, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि किस तरह से फॉर्म फिल करनी है, किस तरह से क्या करनी है। सो इंडिगो एयरलाइन के कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ दोनों के फॉर्म सिमिलर है, बट येस देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम। सो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है आई नो दैट, क्योंकि कैबिन क्रू की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो फॉर्म कैसे फिल करते हैं, एंड ग्राउंड स्टाफ की मैंने नहीं बनाई है। तो येस दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चीज में बता देती हूँ, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करनी है। लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको indigo.padamai.com जब भी कुछ ऐसा मिलेगा, वो बहुत ही परफेक्ट लिंक होता है, रियल लिंक होता है, उसी पे आपको हमेशा अप्लाई करनी है, किसी भी फ्रॉड वाले में अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, सो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे ये वाली पेज अपीयर होगी, तो कैबिन क्रू वाले में आपको नहीं जानी है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको। ठीक है, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आपको ग्राउंड स्टाफ रिलेटेड या एयरपोर्ट पे जो भी जॉब वगैरह होती है ना, आपको बहुत सारे वैकेंसीज दिखेंगे। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे आप उस पर अप्लाई कर लेना, इसमें मेरा कोई ये नहीं है, मैं कुछ गाइड नहीं कर सकती हूँ कि आप किस चीज़ के लिए फिट हो। आप जो आपको अच्छा लगे वो आप उस पर लिंक पर क्लिक करना, पहले पढ़ लेना कि किस चीज़ के रिलेटेड जॉब है। को ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करनी है तो उसको कैसे फिल करेंगे हम, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको ये चार लोकेशन मैं ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल दिखा रही हूँ अभी के लिए, आप ये वीडियो बाद में देखोगे तो ये नहीं रहेंगी वहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल ये आपको ये चार लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में क्या ऊपर लिख दिया हुआ है, रैम सिक्योरिटी कस्टमर सर्विस या फिर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऐसे वगैरह टाइप का है, एंड फ्रेशर ही ज़्यादातर हायर करते हैं वो ग्राउंड स्टाफ वगैरह के लिए। तो आपको क्या करनी है, आपको सबसे पहले लोकेशन देखना है कि किस लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं एंड आपको किस लोकेशन के लिए चाहिए। आपको आपके मन के मुताबिक अगर कोई लोकेशन मिल जाती है तो उस लोकेशन पे आपको क्लिक करनी है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लोकेशन पे क्लिक कर रही हूँ, लोकेशन पे मैंने क्लिक करी, अब नीचे में आप इतने सारे चीज़ें दिख रही है। ठीक है, अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो वो सीधा वहाँ पे लोकेशन वगैरह मेंशन कर देते हैं, बट आपको यहाँ पे लिख दिया है इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन, इट मींस इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरव्यू का एक कोड मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो। ठीक है, बहुत ही बारीकी से मैं चीज़ें बता रही हूँ, आपको समझनी है यहाँ पे। तो जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो कोड मिलता है, इसी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप स्क्रॉल करते रहोगे ना तो आपको वहाँ पे फॉर्म दिख जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म दिख जाएगा, बट यस आपको फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आपने इंडिगो वेबसाइट पे अभी तक अपने नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है गाइस। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है सबसे पहले, एक ईमेल आईडी, परफेक्ट ईमेल आईडी डाल के आपको वहाँ पे एक पासवर्ड सेट करनी है एंड अपना एक पहले नाम रजिस्टर कराना है। नाम रजिस्टर कराने के बाद में आपको नीचे फॉर्म दिख जाएगी, अगर फॉर्म नहीं दिख रहे इट मीन्स आप रजिस्टर्ड नहीं हो। तो वहीं पर आपको कहीं पर देख लेना कि लॉग इन साइन अप कुछ ऐसा आता है, लॉगिन तब होते हैं जब आप ऑलरेडी वहाँ के रजिस्टर्ड पर्सन हो, और साइन अप तब आएगी जब आप पहली बार रजिस्टर कर रहे होते हो। इतना आपको पता चल गया होगा कि आप पहली बार आए हो या पहले कर चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। नीचे जब आप आते हो तो आपने कभी पास्ट में अगर कोई एप्लीकेशन पहले फिल करी है तो उनके पास डाटा सेव हो जाती है उसी ईमेल आईडी से, अगर आपने करी होगी तो वो क्या लिखा के आएगा कि यूज़ योर प्रीवियस एप्लीकेशन, कि आपने जो पहले अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन आपने यूज़ करी थी, यू वांट टू यूज़ दैट अगेन, आपको फिर से करनी है तो उस पर आप टच कर देना, तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी पूरी फॉर्म, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यस आपको वो फिल हो जाएगी, बट आपने इतनी बार फिल करी है, आपको कभी इन्विटेशन नहीं आया, तो आई विल रिकमेंड कि वापस से उसको मत टच करना, फिर से फॉर्म फिल करिए, फिर से अच्छे वाले रिज्यूम अपडेट करिए ताकि आपको इन्विटेशन मेल आए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपका प्रीवियस एप्लीकेशन वहाँ नहीं है इट मींस आप उस मेल आईडी से आपके उनके पास कोई डाटा नहीं है, आप पहले पहले मेंबर हो, तो आपको पूरा फॉर्म भरना है अभी आराम से। तो इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या भरना है, मैंने थोड़ा लिख लिया है क्योंकि आप इतना रट्टा मार तो मैं भी नहीं हो सकती हूँ, है ना। सो स्टार्ट करेंगे अभी हम। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा जिसमें आपको पहला अपना नाम डालना है, मेरा पहला नाम है प्रिया तो मैं सबसे पहले प्रिया डालूंगी। उसके बाद है मिड नेम, अगर आपका बीच में कोई नाम है बट मेरा कोई मिड नेम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ प्रिया लिखूंगी और नीचे चौधरी लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी मेल आईडी आएगी, तो मेल आईडी जिससे आपने लॉगिन करी है
वो भी हो सकती है अगर वो वैलिड है, या फिर आप चाहते हो कि इंडिगो की वैकेंसी मुझे एक अलग मेल आईडी पे आए, उनके इनविटेशन अलग मेल आईडी पे आए, तो आप अलग मेल आईडी भी डाल सकते हो उसमें. बट यस, आपका वो मेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि इनविटेशन आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, उसके बाद नीचे है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में उन्होंने दो चीज़ पूछी है, साल, आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है या फिर कितने महीने का एक्सपीरियंस है. तो अगर आपका जीरो एक्सपीरियंस है तो नीचे एक बॉक्स है जिसमें आपको टिक करना है नॉट एप्लीकेबल. अगर आप 6 मंथ एक्सपीरियंस हो एंड एक्सपीरियंस के बाद भी आपके पास कंपनी छोड़ने का रिविलिंग लेटर नहीं है, तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस में मंथ मत डालिएगा. अगर आप साल भर के भी एक्सपीरियंस बंदे हो बट आपके पास कोई लेटर नहीं है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, या रिविलिंग लेटर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सबूत मांगते हैं वो. सबूत नहीं है कि आपने कभी किसी कंपनी में काम किया था, तो प्लीज़ नॉट एप्लीकेबल पे ही क्लिक कर देना, झमेला ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, नॉट एप्लीकेबल क्लिक करनी है. नीचे आएंगे हम, फ़ोन नंबर आपका, जो आपका वैलिड फ़ोन नंबर है, आपको वैलिड फ़ोन नंबर वहाँ पर डालनी है. ठीक है, फ़ोन नंबर के बाद आपका रिज्यूम मांगते हो, कि आपका रिज्यूम जो भी है वहाँ पे ऑप्शन में आएगा कि डॉक्यूमेंट में अपलोड करो, पीडीएफ जो भी है, तो आप वहाँ पे आराम से अपना रिज्यूम अपलोड करो. आप रिज्यूम अपडेट कर दोगे तो नीचे आएगी परमानेंट एड्रेस. इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होते, आधार कार्ड पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पे जो परमानेंट एड्रेस है आपको वहाँ वो डालनी है कि परमानेंट एड्रेस आपकी कौन सी है. ठीक है, नीचे आप आओगे तो करंट सिटी पूछेंगे. तो मान लो मेरा करंट कुछ और है और मेरा परमानेंट कुछ और है. मेरा परमानेंट असम का है तो ऑब्वियसली मैं असम का डिटेल डालूंगी, एंड मैं करेंटली दिल्ली में हूँ तो मैं वहाँ करंट सिटी दिल्ली लिखूंगी, ताकि जब वो इनवाइट के लिए कैंडिडेट ढूंढे तो उनको पता चले कि बंदा कहाँ से है और हम उसको कहाँ से उठा के कहाँ तक ला सकते. ठीक है, उसके बाद में स्टेट, आप जो भी स्टेट अभी जिस स्टेट में है वही बताना, आपका जिप कोड जो है यहाँ का, करंट सिटी का जिप कोड जो है वो बताना, कंट्री तो इंडिया के ही हम है ना, तो इंडिया आपने लिखना. और नीचे एक अल्टरनेट फोन नंबर का ऑप्शन है, नीचे एक अल्टरनेट फोन नंबर का ऑप्शन है जो आपको अल्टरनेट नंबर देना है. अगर आपको लगता है कि इन केस इस मोबाइल में रिचार्ज ना रहे, इन केस इस मोबाइल में कुछ इस नंबर में कुछ इशू हुए, तो आपके पास अगर दूसरे नंबर है तो आप वो डाल सकते हो, और नहीं है तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं डालना है. बट येस, कभी कभी क्या होता है, चीज़ों का हम ब्लैंक छोड़ देते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होती है. तो मैं क्या गाइड करूँगी, ऑलवेज ट्राई टू राइट NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, तो NA लिख के आगे बढ़ जाना. ठीक है, आप तो लिख देना. नीचे आएंगे जेंडर, तो आपका जेंडर जो है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप वहाँ पे चूज करके क्लिक कर सकते हो. ठीक है, उसके नीचे आएंगे DOB डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दैट डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि फिर बाद में पंगा हो जाता है. तो अपना DOB परफेक्टली करेक्टली डाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है. फिर नीचे आएंगे डू यू हैव पैन कार्ड, येस और नो, तो येस नो तो क्लिक. ठीक है, उसके आप ये मत सोचना कि नो क्लिक कर दूंगा तो इनविटेशन ही नहीं आएगी, वो नीचे उतना भी ध्यान देंगे नहीं. ध्यान कब देते हैं, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ऊपर का ही चीज़ें वो देखते हैं, आपका रिज्यूम देखते हैं. तो इतना डर डर के ये मत सोचना, झूठ मूठ का क्लिक मत करना, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी मैं पहले बता देती हूँ. नीचे पूछेंगे UID, इट मीन्स आधार कार्ड है या नहीं है, तो येस और नो पे क्लिक करनी है आपको. ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, थोड़े से स्क्रॉल इतना कर लिया आपने. नीचे अब एकेडमिक डिटेल्स पूछेंगे कि आपके एकेडमिक डिटेल्स क्या है, आपके कॉलेज रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, जो भी स्टडी रिलेटेड है. पहला क्वालिफिकेशन वो पूछेंगे कि कितना क्या हो, BCom हो, BA हो, या बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, PhD होल्डर हो, 12th पास हो, 10th पास हो, जो भी हो आपको वहाँ पे पहले वो मेंशन कर देनी है. फिर नीचे आएगी नेम ऑफ द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो आपका बोर्ड का नाम क्या है, आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, आपको वो पहले मेंशन करनी है, कोई भी एक मेंशन कर देना आप. ठीक है, जैसे मेरा हो गया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मेंशन करती हूँ. अब इतना सेबा बोर्ड है, आसाम बोर्ड है, क्या बोर्ड है, मैं वो नहीं मेंशन करती हूँ. शॉर्ट एंड सिंपल आप उसको रख सकते हो. नेक्स्ट आएगी कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम आपका जो है, जो आपके रिजल्ट में होएंगे, या फिर आपका जो प्रॉपर कॉलेज का नाम है, कभी कभी होता है ना एफिलिएटेड होती है, तो आप, मैंने किसी प्राइवेट में पढ़ी है बट एफिलिएशन मेरा उस यूनिवर्सिटी से है, तो आप उसका ही डाला करना, जिस कॉलेज से पढ़े हो उसका, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना. जो डॉक्यूमेंट्स में है वही लिखिएगा आप. ठीक है, उसके बाद में नीचे आएंगे कि मेजर और एरिया ऑफ स्टडी, तो आपने क्या चीज़ लेके पढ़ी है वो जानना चाहते हो. तो आपने कॉमर्स ली है थी, या आपने आर्ट्स लिए थे, साइंस लिए थे, तो आपको वो मेंशन करनी है. ठीक है, वो मेंशन कर देना आप. उसके बाद में स्टार्ट डेट,
तो आपका कॉलेज जो आपने जो भी आप डिग्री का मेंशन करोगे लाइक बैचलर का मेंशन करोगे तो बैचलर आपने कब स्टार्ट करी थी और कब एंड हुई थी आपको वो पहले वहाँ मेंशन करनी है ठीक है। तो स्टार्ट डेट आप एग्जैक्ट डेट तो किसी को याद नहीं होती है तो आप कोई भी ऐसा डेट डाल सकते हो कि 3 साल उनको पूरा पता चले कि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल कंप्लीट हो रहे क्योंकि बैचलर 3 साल के होते हैं। मास्टर्स डालोगे तो 2 साल मिला के डालना कि उनको ऐसा ना लगे कि कुछ भी डाल दिया है ठीक है। 2 साल पूरा लगना चाहिए कि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। एंड कंप्लीशन डेट नीचे तो वही है जो आप वहाँ डालोगे उसके अकॉर्डिंग नीचे डालना ताकि इधर उधर कुछ भी ना लगे ठीक है। एंड नीचे आती है परसेंटेज मार्क्स, ये ऑप्शनल है आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, तो NA लिख देना अगर आपको परसेंटेज नहीं बतानी है उनको, बट आपको अगर बतानी है तो दैट इज़ फाइन, आप परसेंटेज आराम से मेंशन कर सकते हो या फिर फुल मार्क्स लिख देना कि आपके टोटल कितने मार्क्स। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर नीचे वहाँ पर लिखा होगा वर्क एक्सपीरियंस ठीक है। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस वो जानेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में वो ये पूछ ले रहे थे कि आपने कहीं पे काम किया है नहीं किया है, येस और नो वगैरह वो पूछा उन्होंने। आपने येस भी किया होगा नो भी किया होगा तब भी नीचे ये आपको फॉर्म फिल करने के लिए वो पूछेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस में सबसे पहला चीज़ वो पूछेंगे कंपनी का नाम। आप फ्रेशर हो, आपने कभी किसी कंपनी में काम नहीं करी है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली आप उसको खाली छोड़ के निकल लोगे। तो मैंने कहा जैसे कि स्टार्टिंग में खाली कभी नहीं छोड़नी है, आपको वहाँ पे NA लिख देनी है NA ठीक है। लोकेशन भी कुछ नहीं है, काम ही नहीं करा कभी। तो अगर आपने काम करा है तो आप प्रॉपर चीज़ें मेंशन करिएगा। अगर आपने काम कभी नहीं करा है यू आर आर टोटली अ फ्रेशर तो आपको वहाँ पे NA लिखना है एंड नीचे स्क्रॉल करके मूव फॉरवर्ड हो जाना है। वहाँ वो नीचे पूछ भी रहे हैं कि आई करंटली वर्क हेयर, अगर आप सच में अभी भी काम कर रहे हो और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आपको वहाँ टिक करनी है कि दैट यू आर करंटली वर्किंग हेयर इन दिस कंपनी वॉट एवर दे हैव आस्क्ड टू यू लाइक नेम क्या है लोकेशन क्या है जो भी चीज़ है डेजिग्नेशन क्या है। तो अगर आप अभी भी काम कर रहे हो तो टिक करना नहीं है, फ्रेशर हो तो वो सब टिक करने की जरूरत नहीं है। NA लिख के बिना टिक करे आपको आगे फॉरवर्ड होना है ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगी एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में वो आपको कुछ चीज़ें पूछेंगे लाइक क्या आपने कभी एविएशन रिलेटेड फील्ड में कभी काम करा है, किसी इंटरग्लोब कंपनी में काम करा है। ऑब्वियसली यू आर अ फ्रेशर, आपने कभी किसी में काम नहीं करे हैं ठीक है। तो आपको वहाँ पे पूछ रहे हैं हैव यू वर्कड विद इंटरग्लोब एंड समथिंग, आपको नो टिक करनी है। कंपनी का नाम है ऑप्शनल है तो NA नॉट एप्लीकेबल का शॉर्ट फॉर्म है, वो लिखते लिखते चला जाना है। जो भी आपको नहीं आइडिया है उसको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, NA लिख देना है ठीक है ओके। फिर नीचे वो पूछेंगे आर यू फ्रॉम EEA कंट्रीज ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए होता है ज़्यादातर जो फॉरेनर बाहर के लोग होते हैं, बाहरी बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हैं एंड वो यहाँ आ गए हैं, उन लोगों के लिए। हम इंडियंस के लिए ये मैटर ही नहीं करता। सो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल फॉर मी बॉक्स आएंगे, उसको क्लिक कर देना है। वो क्लिक कर दोगे ऑप्शन सब गायब हो जाएंगे, वो आपको है आपके लिए वो है ही नहीं ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे रेफरेंस। तो बहुत लोगों में रेफरेंस का पेज आते भी हैं नहीं भी आते हैं, आपके में आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट आने वाले का मैं बता देती हूँ। रेफरेंस में वो आपको इसे नाम पूछेंगे, मेल आईडी पूछेंगे एंड नंबर पूछेंगे। तो रेफरेंस में वो होंगे जिसके नाम पे आप इंटरव्यू देने जाओगे ठीक है। उसके बाद नीचे आती है रिलेटिव सिबलिंग्स, एनी मेंबर कोई ऐसा है जो आपके एविएशन में अभी काम कर रहा हो, तो ये ऑप्शन भी बहुत में दिख रही है, किसी में नहीं है किसी में है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर ये ऑप्शन आते हैं क्योंकि वो उनके मूड पे होता है या अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस ऐसे वो देते हैं कि हर फॉर्म में नहीं देते, कुछ कुछ लोकेशन के फॉर्म में देते हैं वो। तो आपके लोकेशन वाले फॉर्म में अगर ऐसा आता है कि रिलेटिव कोई है जो एविएशन में काम कर रहे हैं एनी फील्ड और लाइक एनी डिपार्टमेंट डजंट मैटर एविएशन में है, किसका पूछेंगे नाम पूछेंगे, वहाँ पे लिखना नेम बताओ उसका, IGA बताओ, डिपार्टमेंट बताओ, लोकेशन बताओ ठीक है। अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन आता है, वो भी क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद में फिर आप और एक ऐड कर लो, 4 जन है तो और ऐड ऑन कर लो, मेरे ख्याल से 2 का काफ़ी होगा या 1 भी काफ़ी है, अगर है तो ठीक है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काफ़ी हो गए ठीक है। सो आपको IGA वगैरह आपको कैसे पता चलेंगे, जो आपके फैमिली रिलेटिव काम करते हैं आपको उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा IGA क्या है, तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारा उनका है, आप उनसे पूछ के ही फिल करना, अपने मन अंदाज से मत फिल करना है, नहीं फिल करनी है ठीक है। सो उसके बाद नीचे में आएगा आपको सबमिट एप्लीकेशन। तो सबमिट एप्लीकेशन आ जाती है, उसके बाद आपको
उसको क्लिक करने से पहले एक बार चेक कर लेना है, अगर आपने प्रॉपर फिल कर लिए सब चीज, सब रीचेक करने के बाद सब सही है, रिज्यूम देख लेना अपलोड हो गई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है तो वापस से एक बार करना। उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक स्क्रीन पे आएंगे थैंक यू फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन और थैंक यू फॉर अप्लाइंग या फिर कुछ भी, तो उसके नीचे एक कोड आएगी, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है। वो कोड इंपॉर्टेंट है, लाइक ग्राउंड स्टाफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट होती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो, ठीक है, उस कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेनी है, दैट विल हेल्प यू। सो यही तक था सफर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। आई होप जो बिगिनर हो उनको बहुत अच्छे से हेल्प हो गई हो, मैंने इन डिटेल बारीकियों से सारी चीज़ें बताई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हो, मैं देख के आपको उस चीज़ के भी डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप गाइस वीडियो लाइक कर दोगे आप, मैंने इतनी मेहनत करी है इसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कोई भी चीज़ के लिए अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पर आपको दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।